2020 अभी तक हमारी लाइफ का सबसे खतरनाक साल निकला है, लेकिन जैसे हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है, ठीक वैसे ही 2020 में हम सब एक ऐसे सरप्राइज से रूबरू हुए हैं जिसने इंडियन सिनेमा का लेवल काफ़ी ऊंचा कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ वेब सीरीज़ असुर की, जो हर मायने में किसी भी इंटरनेशनल शो से बिल्कुल भी पीछे नहीं है और घर बैठने के लिए लोगों का सबसे बड़ा हथियार बनकर बाहर निकली है। जब उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा वापस मिल जाता है तो दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ असुर के साथ हुआ है, जिसको हल्के में लेने की गलती काफी सारे लोगों ने कर दी थी, लेकिन शो देखने के बाद दिल से सिर्फ तारीफ ही निकलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें असुर वेब सीरीज की पूरी स्टोरी आपको सिर्फ कुछ मिनटों में समझाने की कोशिश करूंगी और साथ ही शो की एंडिंग को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में है, बारी बारी उन सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। कहानी को समझने के लिए तीन मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको सही ढंग से समझ लेना चाहिए। पहले हैं धनंजय राजपूत, जो CBI के लिए काम करते हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के काफी बड़े ऑफिसर हैं। आसान भाषा में बोलूं तो ये पुलिस के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी वाले पंगे संभालते हैं। ये दिमाग से काफ़ी चालाक हैं और इनकी पहुंच भी काफ़ी ऊपर तक है, इसीलिए सोसाइटी में इनकी इज्जत भी काफ़ी है और इनका ईगो भी काफ़ी बड़ा है। अक्सर ये बड़े बड़े केसेस में खुद के दिमाग से ही फैसला सुना देते हैं और सामने वाले को अपने ही ढंग से सजा भी दे देते हैं, फिर चाहे उसके लिए इनको कानून को ही तोड़ना फोड़ना क्यों ना पड़े। ये डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। दूसरे हैं निखिल नायर, जो किसी ज़माने में CBI के लिए काम करते थे और धनंजय के स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन आजकल इंडिया से दूर ये अमेरिका में बैठकर एक मामूली सा टीचिंग जॉब कर रहे हैं। CBI छोड़ने के फैसले से खुश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेड बॉडी के मुकाबले अपनी बीवी और बच्ची के साथ वक्त गुजारना किसको पसंद नहीं है। निखिल सही और गलत में यकीन रखते हैं और गलती से भी किसी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते, फिर भले ही सामने वाला चोर डाकू क्यों ना हो, ये उसको सुधरने का पूरा मौका देते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शुभ नाम के एक अतरंगी से लड़के का, जिसको बचपन से ही उसके घर वाले असुर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इसका दिमाग बाकी लोगों से काफी तेज भागता है और किसी भी एंगल से इसकी हरकतें मामूली इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक नजर में ही पूरी किताब को पढ़ लेना हो या फिर खुद को भगवान के बगल में खड़ा करना, शुभ की अजीब सी हरकतों की वजह से धीरे धीरे उसके पिता उससे नफरत करने लगते हैं, जिसके बदले में वो ऑटिज्म नाम की बीमारी का शिकार हो जाता है, जिसमें इंसान खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लेता है। इन तीनों की जिंदगी आपस में बन जाती है जब अचानक से एक दिन कुछ अजीब से मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। मरने वाले के शरीर से उसके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को काट लिया जाता है और उसकी डेड बॉडी के बगल में एक अजीब सा मास्क मिलता है। इस मर्डर की सबसे पहली शिकार खुद धनंजय की वाइफ होती हैं, जिसकी वजह से डीजे को केस से हटाकर निखिल को वापस इंडिया बुलाया जाता है, जो मर्डर के पीछे छुपे हुए मास्टरमाइंड की तलाश करने लगते हैं। कहानी कुछ ऐसी पलटती है कि चेला गुरु के खिलाफ खड़ा हो जाता है और निखिल डीजे को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवा देते हैं, लेकिन इसके एकदम उलट निखिल का सामना असली किलर से हो जाता है, जो सीधा उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, जब इन सारे मर्डर्स के पीछे शैतान असुर यानी शुभ के हाथ होने की बात सामने आती है, जो धनंजय से बदला लेने के लिए इन सारे मर्डर्स को बारी बारी से अंजाम दे रहा है। दरअसल 11 साल पहले धनंजय एक पूजा के सिलसिले में वाराणसी जाते हैं, जहां पे उनकी मुलाकात शुभ से होती है, जो पूरी दुनिया को धोखा देकर अपने ही पिता को जहर से मार डालता है और पानी में डूबने से उनकी मौत होने का नाटक करता है, लेकिन डीजे उसको सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं और कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा साबित कर देते हैं, जिसकी वजह से शुभ को बाल सुधार गृह की जगह सीधा जेल में डाल दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, निखिल को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो धनंजय से नाराज होकर CBI की नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डीजे अपने ईगो की वजह से शुभ की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब देखो, जिसने शो को पूरा देख लिया है उसके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि असली असुर आखिर है कौन, तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। सारे मर्डर्स के पीछे हाथ भले ही शुभ का क्यों ना हो, लेकिन इसके पीछे जो बदले वाला खेल छुपा हुआ है उसकी शुरुआत खुद धनंजय ने की थी, जिसने पावर का गलत इस्तेमाल करके एक जवान लड़के को सुधरने का मौका देने की जगह उसको नर्क में फंसा दिया था। इसीलिए सजा जितनी शुभ को मिलनी चाहिए, धनंजय को भी उसमें बराबर का हकदार बनाना पड़ेगा, जिसने हकीकत में खुद को कहानी में असुर बनाकर पेश किया है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के लिए तो मसीहा बनता है, लेकिन अपने अंदर छुपे हुए घमंड में मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। दूसरा जरूरी सवाल, शुभ के किए हुए मर्डर्स के पीछे का मकसद क्या है? देखो, इसका जवाब समझने के लिए आपको माइथोलॉजी को काफी गहराई से समझना पड़ेगा। कलयुग के बारे में जिक्र करते हुए कहा गया है है कि एक ऐसा मोमेंट आएगा जब सारे अच्छे इंसान भ्रष्ट हो जाएंगे और एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। बस इसी बात को सच साबित करने के लिए शुभ हर इंसान के अंदर छुपे हुए डार्क साइड को बाहर लाना चाहता है, जिसका सीधा कनेक्शन आप लास्ट में 3 किडनैपिंग के साथ जोड़ सकते हो जिनको एक दूसरे की जान लेने के लिए मजबूर किया जाता है। तीसरा सवाल, एंड में शुभ की जीत हुई या फिर हार? ये असुर वाली सोच वाकई लोगों के अंदर छुपी हुई है या सिर्फ एक साइको किलर का पागलपन है जिसका सहारा लेकर वो मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो इसका जवाब है हार, क्योंकि एक तरफ निखिल 3 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए खुद अपनी बेटी को कुर्बान कर देता है, दूसरी तरफ धनंजय खुद की जान को दाव पे लगाकर अपनी इंसानियत का सबूत देता है, जिससे शुभ का प्लान फेल हो जाता है और उसकी असुर वाली सोच गलत साबित हो जाती है। चौथा सवाल जो इस वक्त सबके मन में टहल रहा है, क्या रसूल ही शुभ है या फिर कोई और ही है जिसको अभी तक हमारी नजरों से छुपा कर रखा गया है और शुभ की असली आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया है? तो यार ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रसूल ही शुभ है, जिसका सबसे बड़ा सबूत उसकी नोटबुक में बनी हुई पेंटिंग से मिल जाता है जो बचपन में शुभ अपनी कॉपी में बनाया करता था और जेल की दीवारों पर भी लिखा करता था। दूसरा सबूत ये कि जिस तरीके से रसूल ललार को बिना डरे हुए एकदम आसान तरीके से मार डालता है, वो साफ इशारा करता है कि रसूल दिमाग से कितना शातिर है और इंसानों की जान लेने में उसको एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब लास्ट में वो सवाल जिसने ऑलमोस्ट हर इंसान को बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया है, क्या रसूल और धनंजय किसी भी तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं? क्योंकि सीरीज के एंड सीन में दोनों के बीच में एक बड़ा ही मजेदार आई कॉन्टेक्ट देखने को मिलता है। तो यार इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि अगर ये सच निकलता है तो पूरी सीरीज को बनाने का आइडिया ही फेल हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, डीजे असुर जरूर है लेकिन शुभ उसके लिए काम नहीं करता है। दोनों की सोच एक दूसरे से अपोजिट है और दोनों दोस्त नहीं दुश्मन हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर उस सीन का मतलब क्या है? इसका जवाब आसान है, शो के मेकर्स आपको सीजन 2 का हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार रसूल और धनंजय के बीच में चूहे बिल्ली वाले खेल की शुरुआत होने वाली है जिसमें निखिल बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो यार उम्मीद करती हूँ आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल बच गया है तो नीचे कमेंट करके बता देना, हम सब आपस में मिलकर आपकी पहेली को सुलझा देंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।